हे दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूँ आदित्य और आप देख रहे हैं टेकी सिंह। आज हम लोग बात करने वाले हैं मेरे पीसी के बारे में। इनफैक्ट माय ड्रीम पीसी, इसको बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। 6-7 महीने लग चुके हैं मुझे अब तक इसके सारे कंपोनेंट्स वन बाय वन खरीदने के लिए। मुझे पता है आप लोगों में से बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि अपने पीसी के ऊपर एक वीडियो बनाओ, स्पेसिफिकेशंस बताओ, क्या क्या पूरे सेटअप के ऊपर बनाओ। तो ठीक है, सेटअप वाला मैं इसके नेक्स्ट वाला वीडियो ट्राई करूँगा बनाने का, लेकिन इस बार लेट्स टॉक अबाउट दिस बीस्ट। तो थोड़ा व्यूज ले लीजिए आप हमारे पीसी का, इसके बाद में सारे कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। लेट्स गो फॉर इट। तो शुरुआत हम लोग क्या करेंगे, हमारे सीपीयू से करते हैं। सीपीयू एक्चुअली मेन तो वही है, सीपीयू हमें सबसे पहला कंपोनेंट था, लेकिन मैंने शुरुआत में सबसे पहले एक मॉनिटर लिया था, मॉनिटर के बाद मैंने सीपीयू लिया। मॉनिटर मैंने पहले लैपटॉप से कनेक्ट करके यूज़ किया करता था, ठीक है। तो लेकिन हम लोग बात पहले सीपीयू से करेंगे और सीपीयू का प्राइस अलग रखेंगे। जो भी प्राइस मैं इस वीडियो में बनाने वाला हूँ वो आज की डेट की प्राइस है जो अमेज़न पे अवेलेबल है। मैंने बहुत सारे रिसर्च की, कुछ प्राइजेस इधर उधर हैं, बट स्टिल आज के डेट में अगर आपको मेरे जैसा पीसी सेटअप चाहिए तो उसका प्राइस आपको कितना पड़ेगा वो आपको अनुमान लग जाएगा। सारी अमेज़न प्राइजेस हैं और इनफैक्ट सारी की सारी प्रोडक्ट्स की मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप लोग ज़रूर जाके उन सब चीज़ों को चेक करें। कोई चीज़ पसंद आए तो ज़रूर हमारी एफिलिएट लिंक से ही परचेस करें, ठीक है। तो वन बाई वन सारी प्राइजेस की डिटेल्स और मैंने वो प्रोडक्ट्स क्यों खरीदे उन सब की डिटेल्स। नाउ लेट मी स्टार्ट विद दिस। दिस इज द कूलर मास्टर मास्टर बॉक्स लाइट 5 RGB। सो इसमें ये 3 RGB फैंस हैं, ये लैमिनेटेड ग्लास है और यहाँ पे भी एक मैग्नेटिक सा पैनल है जो हवा आने के लिए बहुत अच्छा है। नीचे भी है एक, और बहुत ज़्यादा क्लीन तरीके से वायर मैनेजमेंट और लाइक लैमिनेटेड वन का रहा, अंदर का चीज़ ही बहुत खूबसूरत तरीके से दिखता है। तो ये फिर मैंने ख़रीदा था, इसका प्राइस अभी अमेजोन पे अराउंड 6,700 रुपीज़ है आई गेस। तो बात आती है हमारी सीपीयू पे। सीपीयू में हमने यूज़ किया है इंटेल का i5-8600K जो 8th generation प्रोसेसर है। अमेजोन पे मैंने देखा है 23,000 के आसपास में, 8400 का भी क्लॉक स्पीड सेम ही था, तो फिर मैंने वो क्यों नहीं खरीदा, बिकॉज ये अनलॉक वर्जन है। मैं इसका क्लॉक स्पीड बढ़ा सकता हूँ, ओवरक्लॉक कर सकता हूँ। अब जब ओवरक्लॉक कर सकता हूँ तो फैन की प्रॉब्लम आती है, इसकी हीटिंग की प्रॉब्लम आती है। अब मैंने हीटिंग के लिए लिया है अगेन कूलर मास्टर का हाइपर 212 LED, ठीक है। ये रहा वो डब्बा, ठीक है। ये आपको अवेलेबल है करीब 2800-2900 के आसपास में अमेजोन में, आप देख सकते हैं 2800-2900 में एक बहुत ही अच्छा कूलर मिल जाएगा और ये मेरे पीसी को ओवरक्लॉक कर सकती है। लाइक मैंने कहीं कहीं तो सुना है कि 4.6, 4.7, 4.8 तक भी आराम से हैंडल कर पाती है ऑन एयर कूलिंग। सो ऑब्वियसली आई कैन सजेस्ट कि आप लोग ये वाला कूलर खरीद सकते हैं। देन कम्स फॉर द मदरबोर्ड पर, कि मदरबोर्ड में हम लोगों ने खरीद रखा है एसस की ROG सीरीज की स्ट्रिक्स ई गेमिंग, ये एसस की, ठीक है। ये हमको पड़ी थी करीब 23,000 के आसपास, आप अमेजोन पे देख सकते हैं, अभी भी करीब उतना ही प्राइस है, 23-24 के आसपास प्राइस है। तो क्या है कि ये जो हमारी मदरबोर्ड है ना, बहुत ज़्यादा ही अच्छी परफॉर्म करती है, प्लस इसमें RGB है और ये ऑरा सिंक सपोर्ट करती है, बहुत सारी फीचर्स को सपोर्ट करती है लिटरली। मतलब मैं तो आज खुद नहीं जानता, इसमें इंटेल ऑप्टन डाल सकते हैं, ये 8th generation प्रोसेसर CPU सपोर्ट करती है, कौन सा है वो एनवीडिया का जी सिंक है शायद, वो सपोर्ट करती है एनवीडिया SLI सिंक, लॉट्स ऑफ फीचर्स, ठीक है। पीछे बहुत सारी पोर्ट्स अवेलेबल हैं, मतलब जो भी मुझे चाहिए था उससे बहुत ज़्यादा फीचर्स इसमें मिल रहा था, तो फिर मैंने इसे यही लिया। एंड कमिंग टू द रैम, इट्स दी मोस्ट ब्यूटिफुल रैम दैट आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। ये जी स्किल का रैम है जो आप लोगों को अमेजोन पे 8 GB का 2 stick मिल जाएगा फॉर अराउंड 14K आई गेस। या नाउ टॉकिंग अबाउट
स्टोरेज पार्ट, स्टोरेज पार्ट में मैंने यूज़ किया है सैमसंग की एक SSD जो मेरी प्राइमरी मतलब स्टोरेज है, जिसमें मैं अपनी विंडोज स्टोर कर रखा है मैंने, स्टिल नॉट इनफ, बट 250 GB का 860 EVO है. एंड आई विल शो यू, या दिस इज द ब्यूटीफुल पीस पार्ट, इज द 860 EVO. आई गॉट इट फॉर 4,500 rupees एंड यू कैन गेट इट ऑल्सो फॉर 4,500-600 rupees. इसी प्राइस में अप्रॉक्स अवेलेबल रहता है. नाउ लेट्स कम टू माई पावर सप्लाई में मैंने यूज़ किया है कूलर मास्टर का 650 वॉट का पावर सप्लाई है मेरे पास, जो आप लोगों को करीब पड़ेगी 7,150 रुपये अभी इसकी दाम है अमेजोन पे. नाउ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट, द ग्राफिक कार्ड. इसके लिए लिखी बहुत ज़्यादा दिन वेट करना पड़ा, इनफैक्ट ये वीडियो इतना लेट इसी के कारण आ रहा है. यह है MSI का गेमिंग एक्स GTX 1060 6GB ग्राफिक कार्ड. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन इट क्लास. ओके, लेकिन हाँ मानते हैं थोड़ा लेट हो गया, अब तो RTX सीरीज आ चुकी हैं, 1660 आ चुकी है, तो ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर दैट, बट स्टिल आई लव दिस थिंग, आई विल कंटिन्यू विद दिस थिंग. इसका प्राइस अभी आपको 39,000 के आसपास पड़ सकता है अमेजोन पे, सो दैट्स 39K. सो पीसी की बात खत्म हो गई, अब आती है हमारी कीबोर्ड माउस मॉनिटर और मेरा प्राइमरी स्पीकर एंड प्राइमरी से भी ज़्यादा यूज़ होने वाला हमारा हेडफोन. सो क्या शुरुआत करते हैं हमारी कीबोर्ड से. ज़्यादा आपने नाम नहीं सुना होगा, आप लोगों ने नॉर्मली राइजन और लॉजिटेक ये सारे के नाम सुनेंगे, लेकिन मेरा कीबोर्ड है कॉस्मिक बाइट का. ये मुझे पड़ा है करीब 3,500 rupees अमेज़ॉन पे भी, अभी भी इसका प्राइस उतना ही है. तो आई सजेस्ट, मैकेनिकल कीबोर्ड है, ठीक है, और इसकी जो क्लिक है ना ये मनमोहित कर देता है, बहुत ही खूबसूरत सा क्लिक है. उसमें बहुत सारे ऑप्शंस भी है, ये लाइट्स आप ऐसे मूव करा सकते हैं, और इसके अंदर कभी कभी जब ज़्यादा आपको डिस्टर्बेंस होती है तो लाइट्स ऑफ कर सकते हैं, या फिर जो की आप क्लिक करेंगे वही ग्लो करेगी, या कस्टमाइज आप एकदम अलग लेवल पे कर सकते हैं. माउस के लिए मैं यूज़ करता हूँ लॉजिटेक का G502 माउस. इसका प्राइस थोड़ा महंगा है, आई डोंट सजेस्ट कि आप ये कर दें, आप लोग G102 खरीद लें, बट स्टिल आई लव दिस थिंग सो आई गॉट इट. तो अब हम बात करते हैं अपनी हेडफोन्स की. हेडफोन्स आर द मोस्ट लव थिंग, क्योंकि ये बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप स्पीकर्स यूज़ करते हैं इतना अच्छा ऑडियो नहीं आता है, और हेडफोन से किसी और को डिस्टर्बेंस भी नहीं होता. तो स्टिल आई हैव बॉट दिस ब्यूटीफुल पीस ऑफ हेडफोन, दिस इज फ्रॉम द कोर्सेयर फ्रॉम अमेज़न, सो यू कैन गो एंड चेक दिस आउट ऑल्सो. एंड आई गॉट अ स्पीकर दैट्स बेस्ट थिंग. ओके, तो ये मैंने ख़रीदा है फिलिप्स का ही, मैंने अमेज़न से खरीदा करीब 800 कुछ रुपये का, लेकिन एक्चुअली मैंने ख़रीदा नहीं है, मेरे एक सीनियर ने मुझे गिफ्ट किया है, एंड आई लव यू ब्रो. तो ये उन्होंने दिया है और बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है. इसके बाद में बात आती है मेरी मॉनिटर की, LG का 21:9 ratio. मॉडल नंबर मुझे याद नहीं है, स्टिल मैं बताऊँगा आपको, 29UM68P. I bought it for 23,000, but I'll give you a better alternative. Yeah, अभी Amazon पर अवेलेबल नहीं है. इसका alternative मैं आपको देता हूँ, you can go for the LG 29UM69G 21:9 ratio monitor. आप बेस्ट टाइप का भी यही आता है सबसे पहले, एंड इट्स प्राइस एट 19K, मच बेटर, सेम ऑलमोस्ट सेम, एवरी थिंग इज सेम, सो यू कैन गो फॉर दैट वन. और ये सारा तो बन गया, लेकिन क्या है ना कि कभी कभी लाइटें वाइटें कट जाती है, तो फिर मैंने एक UPS भी ले रखा है, ज़िब्रोनिक का है, और वो यार नीचे है, ठीक है, वो करीब मैंने लिया था 3,000-4,000 रुपये में, ठीक है, 4,200-3,000 का था, ज़िब्रोनिक का U1200 और वो अच्छा, आई लाइक इट, परफॉर्मेंस गुड, एटलीस्ट शट डाउन अच्छे से हो जाता है, ह्यूज PC को आराम से शट डाउन कर देता है, अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए मुझे, 10-5 मिनट चल भी जाता है अच्छा थोड़ा सा, स्टिल आई एम डन. तो ये तो रहा मेरा PC बिल अप्रोक्स 1,70,000 पार हो चुका है. स्टिल दिस इज़ नॉट जस्ट अ PC बिल, फॉर द CPU एटलीस्ट इट्स 1,30,000, एंड लाइक या आई हैव नॉट स्पेंड दैट मच, बट स्टिल द प्राइस काउंट्स.
आई डोंट सजेस्ट कि इस पॉइंट ऑफ टाइम में आप लोगों को इतना पैसा खर्चा करना चाहिए. डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट स्टिल, बट इससे कम दाम में भी इससे अच्छे परफॉर्मेंस मिल सकते हैं. और मैं कोशिश करूँगा अगले वीडियोस में मैं ऐसे पीसी बिल्ड्स की वीडियो बनाऊँ जहाँ पे मैं आप लोगों को बजट में ही अच्छे पीसीज सजेस्ट कर पाऊँ. एंड लाइक पीसीज आप तभी खरीदो जब आपका सीरियस वर्क हो. जैसे कि आप, आई प्रेफर कि लैपटॉप आप खरीद सकते हैं, बट स्टिल पीसी स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मॉनिटर. मॉनिटर इज द मेन थिंग दैट आई बॉट दिस होल थिंग. This is a huge thing. I can use it for development, especially playing games, this keyboard and all that. Like, unless आप really involved हो, आप मतलब दिन में maximum time अपने PCs के सामने बैठते हो तभी आप खरीदो, वरना इतना ज़्यादा amount कहीं पर खर्चा करना I don't suggest. और मैं कोशिश करूँगा अगले वीडियो में अपनी पूरी सेटअप बनाने की, कैमरा एवरीथिंग टोटल सेटअप रहेगा. ऑलमोस्ट इसमें हो ही गया, बस कैमरा वैमरा लाइटिंग शाइटिंग तो रही अच्छी है. वो सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा. मैं अपनी वीडियोस कैसे बनाता हूँ ये सारा चीज़ आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा. टिल देन स्टे ट्यून्ड, लाइक दिस वीडियो एंड डू चेक आउट द लिंक्स बिलो फॉर ऑल द कंपोनेंट्स मेंशनड हियर. लाइक दिस वीडियो, यस लाइक दिस वीडियो एवरी वन प्लीज. एक्सपेंसिव यार थोड़ा तो प्लीज. और अपने फ्रेंड्स जो ऐसे पीसीज बनाने की सोच रहे या फिर एटलीस्ट दे आर इंटरेस्टेड इन सम ऑफ द अदर वे, उन लोगों को भी ये वीडियोस शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें. वो नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है उसको दबाने पे वो ग्रे हो जाता है, पता है? ट्राई सीरियसली. तब तक के लिए मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए नए वीडियोज़ बनाते रहूँ. थोड़ा प्रोडक्टिविटी कम है मेरा, बट स्टिल दिस इज टेकी सिंह साइनिंग ऑफ.